आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चना जोर गरम रेसिपी, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में, बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया है काले वाले चना। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रात में बढ़िया तरह से धोकर के इसको भिगो दिया है। अब बहुत बढ़िया से फूल गए फ्रेंड। तो अगर आपके पास इससे बड़े साइज वाले चना है तो उसका प्रयोग कीजिए, उसका बहुत बढ़िया रेसिपी बनेगा। लेकिन इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करना क्या है इसको, चलिए आगे का प्रोसेस करना है। यहाँ पे कुकर ले लिया है, इस तरह से इसको डाल देंगे। हाँ फ्रेंड, चना को जो है ओवर टाइम भिगोना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गर्म पानी लीजिए और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिए, बहुत बढ़िया से फूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस तरह से डाल दिया। हाँ फ्रेंड, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारे पुराने सब्सक्राइबर काफी सपोर्ट किए थे लेकिन वो भी इस समय भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं कमेंट करते हैं, बिल्कुल वीडियो देखना ही नहीं पसंद करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो थोड़ा मोड़ा देख के यूं ही चले जाते हैं। तो पुराने वाले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वापस लौट आइए, मैं आपको इंतजार कर रही हूँ। प्लीज प्लीज, मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। फ्रेंड, इस तरह से इसको बंद करेंगे। 1 से 2 विसल लगाना है, ज्यादा बिल्कुल गला के नहीं पकाना है, बस 1-2 विसल बहुत है। तो चलिए पका के फिर आपको हम दिखाते हैं। हमने बढ़िया तरह से धो लिया है। इसका धोना इसलिए जरूरी है ताकि इसका लिबलिबापन जो रहता है उबालते समय चने में, वो बढ़िया तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है चकला, यानी हुलसा ले लिया है। हमारे गांव में इसको हुलसा बोलते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे हमने चने को ठंडा कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हो हमने डाल दिया है। और उसके बाद भी लेना है अदरक कूटने वाला, इस तरह का जो होता है, बस इस तरह से इसमें प्रेस करते हुए इसको दबाना है। फ्रेंड ये देखिए बहुत बढ़िया से बनेगा। अगर इससे ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये कटोरी से भी आप कर सकते हो, कटोरी से भी बहुत बढ़िया से बन जाता है, लेकिन मेरे पास है तो मैंने इसका प्रयोग किया है। ये देखिए, तो इसी तरह हम सभी को बना के रेडी करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेसिपी बन क्या रही है। फ्रेंड, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। काफी टेस्टी और हेल्दी रहती है इस तरह की रेसिपी। अब बच्चे तो इसको खेल खेल में इस तरह से बना देंगे, जैसे कि बच्चे घर में हैं उनको कह दीजिए इस तरह से प्रेस करते हुए बढ़िया दबा देंगे, बहुत अच्छा लगता है इसको इस तरह से करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो, लीजिए फ्रेंड, हमने सभी को इस तरह से बढ़िया प्रेस करते हुए इनको बना लिया है। अब करना क्या है, इसको चाहे तो आप पंखे के नीचे भी डाल सकते हो टॉवल में, तो इसमें हवा लग जाएगी, जो इसका मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा। और चाहे तो आप इसको आधा घंटा के लिए धूप में भी डाल सकते हो, या तो फिर इसको पंखा के नीचे डाल करके दूसरे दिन इसको बनाइए, तो ये बढ़िया से ड्राई हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे। फ्रेंड, हमने इसको बढ़िया तरह से सुखवा लिया है, मतलब कि इसका मॉइस्चर जो है हट गया, तो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, कुछ आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। कटोरी ले लिया, तो यहाँ पे मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी कुछ इतनी है। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच हमने लिया है, अमचूरन पाउडर और चाट मसाला दोनों मिक्स है। और यहाँ पे लिए हैं चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे हमने काला नमक लिया। फ्रेंड, चाहे तो आप सफेद नमक का प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ पे हमने हींग लिया है। और यहाँ पे लिया हमने पुदीने का पाउडर, ये बहुत इससे अच्छा स्वाद आता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। गैस पे हमने रख दिया है तवा, तवा हमारा गर्म हो चुका है, गैस को हमने बंद कर दिया है। बस इस तरह से सारे मसालों को डालेंगे और इनको बढ़िया तरह से भून लेंगे। ये देखिए हल्का से धुआं उठने लगा है, मतलब ये हल्का से अगर गर्म हो जाएगा तो जो हम रेसिपी बनाएंगे वो खराब नहीं होगी, तो स्वाद भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हल्दी वगैरह कच्ची रहती है तो स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। तो आप इस तरह से मसालों का
बढ़िया तरह से भून के प्रयोग में ला सकते हो। इस तरह से बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप इसमें डाल सकते हो मैगी मसाला, पास्ता मसाला और थोड़ा से चटपटा बनाने के लिए। तो ये लीजिए, बातें करते करते हमारे मसाले बहुत बढ़िया से भून गए हैं। तेल हमने रख दिया है, गर्म हो गया है। अब यहाँ पे इस तरह की छलनी में लेना है, इसको इस तरह से डिप करना है, बस इस तरह से करते जाना है। ये देखिए, इससे बहुत बढ़िया से क्रिस्पी होने तक पका लेना है। और हाँ फ्रेंड, मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज्यादा एकदम तेज आंच में बिल्कुल नहीं करना है, चीज का ध्यान रखिए। ये देखिए, हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। लीजिए फ्रेंड, हमने बढ़िया तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसको इस तरह से तेल गार के बढ़िया तरह से बाहर निकाल के रख लेते हैं। हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर में निकाल सकते हो, तो इसका एक्स्ट्रा तेल रहेगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ज़्यादा तेल नहीं है, लेकिन मसाला भी तो इसमें लपेटना चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह का है, देख सकते हो आपके सामने है। तो चलिए इसमें मसाले लगा देते हैं। यहाँ पे इस तरह से मसाला लेना है, गर्मा गर्म में इसमें तुरंत इस तरह से डाल देना है। लीजिए, मसालों को हमने बढ़िया तरह से लगा दिया है, जितना हमको चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, बहुत बढ़िया से क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, काफी क्रिस्पी हैं, ये देखिए। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटे वाले चना का बनाया है, अगर आप बड़े वाले चना का बनाओगे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाँ फ्रेंड, इनमें कम से कम 2 से 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चना उबालते समय ज्यादा उबले नहीं, और सुखाते समय जैसे कि इसका मॉइस्चर जो है पूरा निकल जाना चाहिए। अब फ्राई करते समय ज़्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत पकता है, कोई ज़्यादा देर इसको नहीं लगती है पकने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी क्रिस्पी है, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो लीजिए, हमारा चना जोर गरम रेसिपी रेडी हो चुकी है। काफी टेस्टी और हेल्दी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आप भी इस तरह से बना के खा सकते हो। बनाने का तरीका बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है इसको। जैसे कि फ्रेंड, इसको लोग खाते हैं गर्मी या तो फिर बारिश के महीने में, लेकिन ये हमारा दिल है, हमारा मन है, हम कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। काफी टेस्टी लगता है। मुरमुरे बनाए उसमें आप इसको डाल दीजिए, आप फिर जो है बना के खाइए, तब बताइए कमेंट करके कैसे लगती है ये रेसिपी। देख सकते हो काफी क्रिस्पी है। तो यहाँ पे मैंने बना के तैयार किया है छोटे वाले चना के। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बड़े वाले चना का ही बना के तैयार करें, और इसको बढ़िया तरीके से स्टोर भी करें, और जब मन हो तब निकाल के इसको खा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।